इश्क मुर्शिद ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। सुकैना शिब्रा के पास आकर कहती है कि बाबा ने फजल बख्श को निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। मैं फजल बख्श के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी। वो शामिर है। शिब्रा कहती है कि शामिर कौन? सुकैना कहती है कि उसका असल नाम शामिर है। वो सियासत से ताल्लुक रखता है और सब कुछ छोड़कर तुम्हारी खातिर, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए यहाँ पर आया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं सारी हकीकत को तुम लोगों से ओझल रखूँ, ताकि वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, वो तुम्हारे सामने ये साबित कर सके कि वो एक अच्छा लड़का है। क्योंकि बाबा किसी अमीर ज्यादा का पसंद नहीं करते, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं। उनके नजदीक शायद उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा लड़का है। वो अमीर घराने से ताल्लुक तो रखता है, लेकिन उसकी सोच, उसके जहन बाकी सब लोगों से अलग है। शिब्रा कहती है कि सुकैना तुम पागल हो चुकी हो, तुमने मुझे सारी हकीकत से नवाकिफ क्यों रखा? मुझे बता देती तो यार ये सब कुछ ना होता। सुकैना कहती है अगर बता देती तो आज तुम्हें शिब्रा फजल बख्श से मोहब्बत ना होती। ये सुनकर तो शिब्रा वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जाने अनजाने में पता नहीं कैसे मुझे फजल बख्श से मोहब्बत होगी, उसके रवैये, उसकी बातों से और उसके एहसास से, और जो वो इज्जत करता था मेरे माँ बाप की, मुझे इन सब ने उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। सुकैना